हेलो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्रामर। लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप ग्रामर ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट्स। लेक्चर नंबर 1, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस which are used to ask questions are called interrogative pronouns। ऐसे pronoun जो सवाल पूछने का काम दे interrogative pronouns कहलाते हैं। और सीधा examples, what is your name, आपका नाम क्या है, which is this book, ये किताब किसकी है, whose book did she take, उसने किसकी किताब ली, whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हो, Who are you? तुम कौन हो? In the given examples, what, which, whose, whom, and who are interrogative pronouns. दी गई मिसालों में what, which, whose, whom, who interrogative pronouns कहलाते हैं। Now we discuss about the indefinite pronouns. ऐसे प्रोनाउन जो किसी मुतय्यन चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल ना हो बल्कि गैर मुतय्यन चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल हो, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। नाउ सी द एग्जांपल्स, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वन्स हेल्थ, हर शख्स को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ईच ऑफ दीज बॉयज नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, इन लड़कों में से हर कोई कार चलाना जानता है। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू एयरपोर्ट, इन सड़कों में से हर सड़क एयरपोर्ट पर जाती है। नाइदर ऑफ दीज रूम्स इज एरी, इन कमरों में से कोई भी हवादार नहीं है। ऑल आर वेलकम टू द पार्टी, पार्टी में सबको खुश आमदेद कहा जाता है। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चला दिया है। एनीवन कैन प्ले द गेम, कोई भी खेल खेल सकता है। डज एनीबॉडी नो दिस बॉय, क्या कोई इस लड़के को जानता है। नो वन केम फॉरवर्ड टू एडमिट द क्राइम, कोई भी इकबाले जुर्म के लिए आगे ना बढ़ा। असलम टोल्ड नोबॉडी अबाउट हिज सीक्रेट, असलम ने अपने राज के बारे किसी को ना बताया। इन द गिवन एग्जाम्पल्स, वन, ईच, आइदर, नाइदर, ऑल, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इन दी गई मिसालों में नीचे दिए गए अल्फाज इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे अल्फाज जो प्रोनाउन का काम भी दें और फिक्रे को मिलाने का काम भी, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नाउ सी द एग्जांपल्स, आई मेट नासिर इज फाउंड ऑफ क्रिकेट, मैं नासिर से मिला जो क्रिकेट का शौकीन है। आई हैव फाउंड ऑफ द बुक्स विच आई लॉस्ट, मुझे वो किताब मिल गई है जो गुम हो गई थी। द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे हैज डाइड, वो लड़का जिसे मैं कल मिला मौत हो गया है। दिस इज द स्टोर हुज ओनर लिव्स इन इंग्लैंड, ये वो स्टोर है जिसका मालिक इंग्लैंड में रहता है। द मैन हुज माई नेबर इज वेरी रिच, वो आदमी जो मेरा हमसाया है बहुत अमीर है। आई एम द ओनली पर्सन यू कैन हेल्प यू, मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डू यू नो माई कज़न लिव्स इन सऊदी अरेबिया, क्या आप मेरे चचाजाद को जानते हो जो सऊदी अरब रहता है। गिव दिस लेटर टू द मैन सिटिंग इन माई ऑफिस, ये खत उस शख्स को दे दो
जो मेरे दफ्तर में बैठा है। वी किल्ड द स्नेक विच वॉज वेरी लॉन्ग। हमने एक सांप मारा जो बहुत लंबा था। आई हैव बॉट अ पैरट विच कैन टॉक। मैंने एक तोता खरीदा जो बातें कर सकता है। द मैन दैट स्टूड देयर वॉज अ पिक पॉकेट। वो आदमी जो वहाँ खड़ा था जेब कतरा था। विल यू ब्रिंग मी द बुक दैट इज लाइंग ऑन माई डेस्क। क्या आप मुझे वो किताब ला दोगे जो मेरे डेस्क पर पड़ी है। माई ब्रदर हैज अ मंकी दैट कैन परफॉर्म मैनी ट्रिक्स। मेरे भाई के पास एक बंदर है जो बहुत से करतब कर सकता है। शो मी द हाउस दैट यू हैव बॉट रिसेंटली। मुझे वो घर दिखाओ जो आपने हाल ही में खरीदा है। दिस इज द गर्ल वो माई सेव फ्रॉम ड्रोनिंग। ये वो लड़की है जिसे मैंने डूबने से बचाया। बाईसाइकिल उस कलर इज ग्रीन एज स्नो ब्लॉक। वो बाईसाइकिल जिसका रंग सब्ज है का ताला नहीं है। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स हुम यू टॉट लास्ट ईयर। मैं इन तलबा को पढ़ा रहा हूँ जिन्हें आपने पिछले साल पढ़ाया है। द डोर वॉज ओपन बाई अ वोमैन होम आई गेव अ लेटर। दरवाज़ा उस औरत ने खोला जिसे मैंने खत दिया। आई नो होम यू आर लुकिंग फॉर। मैं जानता हूँ आप किसको तलाश कर रहे हो। दिस इज द वोमैन हूज हस्बैंड इज इल। ये वो औरत है जिसका खावन बीमार है। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इन विच टू पार्टिसिपेंट्स आर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउन जो बाहमी ताल्लुक को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो सीधा एग्जाम्पल्स, मैंने आस्क फॉर मनी द टू ब्रदर्स लुक एट ईच अदर। जब मैंने रकम का तकाजा किया तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। चिल्ड्रन लव टू प्ले ईच अदर। बच्चे एक दूसरे से खेलना पसंद करते हैं। दे कैनॉट टॉक टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अहमद एंड तलहा एडमायर ईच अदर। अहमद और तलहा एक दूसरे की तारीफ करते हैं। अली एंड साइम आर लुकिंग टू ईच अदर। अली और साइम एक दूसरे को देख रहे हैं। डियर फेलोज, दिस वॉज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।